हेलो फ्रेंड, मैं हूँ संध्या और आज हम बनाएंगे मेथी का थेपला। ये थेपला बहुत ही हेल्दी बनेगा क्योंकि मैं इसे बनाऊंगी तीन तरह के आटे को मिक्स करके। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये थेपला बन करके तैयार होता है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए 200 ग्राम मेथी को मैंने कट कर लिया है धुल करके, और मक्के का आटा, गेहूं का आटा और बाजरे के आटे को बराबर भाग में ले लेंगे। हल्दी, नमक, मिर्च और हींग को डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे और हाथों पे इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे। सफ़ेद तिल को भी डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक चम्मच भर करके दही डालेंगे और कटा हुआ मेथी को डालते हुए हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हमें इसे गर्म पानी से गूंथना है। याद रखें, आप इस आटे को गर्म पानी से ही गूंथें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे का सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। इस आटे को आप जितना मसल मसल के तैयार करेंगे उतना ही सॉफ्ट ये थेपला बनेगा। तो इस तरीके से आप मसल करके इस डो को बना करके तैयार कर लें। तो अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद मैं अब थेपला को बनाऊंगी। तो एक बड़ा सा पोर्शन हम उठा लेते हैं और रोल कर लेंगे। चकले पे थोड़ा सा आटे को स्प्रिंकल करेंगे और हमें इसे रोटी से भी बड़ा बेल करके तैयार करना है। तो हमें इसे बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। अब इसे कटोरी से हम कट करेंगे। तो हम बहुत बड़ा बड़ा थेपला नहीं बना रहे हैं, बस छोटा छोटा ही बना रहे हैं। तो इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अब तावे पे थोड़ा सा बटर, तेल या घी को आप लगा लें और थेपले को इस तरीके से डाल दें। अब दोनों तरफ हमें पलटते हुए इस तरीके से हल्का हल्का ऑयल लगा करके सेक लेना है। तो इस थेपले में हमें ज़्यादा घी वगैरह नहीं लगाना रहता है, बस हल्का हल्का ही लगा करके दोनों साइड में सेकना होता है। तो दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा लगाना है घी या तेल, और इस तरीके से दबाते हुए हमें सेक लेना है। तो जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा थेपला सिक गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। सभी थेपले को इसी तरीके से सेक करके निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हमने तीन तरह के आटे को मिक्स करके बनाया है। तो आप इस थेपले को सफ़र में भी ले जा सकते हैं और 4-5 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही और चटनी के साथ। तो आप भी इस विंटर में इस मेथी के थेपले को ज़रूर बनाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप मेथी के थेपले को बनाएं और अचार या दही या चटनी के साथ परोसें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।